हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज मैं आपके लिए गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं तवे पे बना के आपको दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए मैंने 4 स्लाइस व्हाइट ब्रेड के लिए हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच बटर, बटर को मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। 1 चम्मच ग्रेटेड लहसुन, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, चिली फ्लेक्स स्वाद के अनुसार और चीज। यहाँ मैंने अमूल का मोजरेला चीज लिया है। तो सबसे पहले एक तड़का पैन में हम 2 चम्मच बटर डालकर उसको मेल्ट कर लेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो गया है तो इसमें अब हम ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन को क्रश करके भी डाल सकते हैं और इसे हम आधे मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो आधा मिनट हो गया है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम साइड में रख लेंगे। और मैंने अब एक तवा लिया है, इस पर हम ग्रीस करके ब्रेड को एक साइड से टोस्ट कर लेंगे। तो इस पे मैंने 2 ब्रेड रख के इन दोनों को हम एक साइड से टोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है तो ब्रेड हमारे टोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के बचे हुए ब्रेड भी हम टोस्ट कर लेंगे। अब इन टोस्टेड सरफेस को हम ऊपर की तरफ रखते हुए इस पे गार्लिक वाला बटर स्प्रेड कर देंगे। बटर आप अच्छे से स्प्रेड करें हर तरफ। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो हरा धनिया मैंने स्प्रेड कर दिया है और अब इस पे हम चीज को ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहें तो चीज को पहले से भी ग्रेट करके इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। चीज आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो चीज स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स नहीं यूज करें। और अब इसे हम एक तवे पे बटर स्प्रेड करके इसे हम टोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, जिससे कि ब्रेड हमारा जले नहीं। और इसे अब हम एक ढक्कन से कवर कर देंगे। इसे कवर करके हम 2 से 2.5 मिनट तक पकाएंगे, या फिर जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम पका लेंगे। तो चीज़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है और 2 से 2.5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो हमारा चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और नीचे से भी ये काफ़ी क्रंची और अच्छी तरह से टोस्ट हो गया है। ब्रेड के ऊपर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए ब्रेड भी टोस्ट कर लेंगे। तो है ना आसान सी रेसिपी, देखा आपने कितनी आसानी से, और ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।